तो गाइस अभी मैं भी निकल चुकी हूँ कृषि को चकमा देकर बाहर, तो अभी चलती हूँ फटाफट से। और गाइस मैं सोच रही हूँ कि ना आज शुभम के ऊपर एक प्रैंक कर दूँ बढ़िया सा, मज़ा आ जाएगा। कुछ तो चल रहा है मेरे दिमाग में। और गाइस अभी मैं करने वाली हूँ प्रैंक स्टार्ट, वो भी खुशी। हेलो भैया, खुशी बोल रही मैं। वो मानसी भाभी आई थी, कह रही थी कि मैंने जिम नहीं आना, कह रही भी मेरे को शुभम उल्टा सीधा बोलता रहता है ये वो सब है, कह रही भी मैं नहीं जा रही जिम आज। नहीं तो इसको कहो ना, अपने मेरे को कहिए क्या बात, अपने मुंह से बोलना ही जा रहा है इससे। पता नहीं क्या कह रही, यहाँ पे मैंने फोन किया ना, मैं क्या बताया नहीं अभी तक, तो कह रही भी मैंने जिम नहीं जाना अभी, क्या कहते हैं मेरे से नहीं इतनी वो होती, मैं वीडियोस भी बनाऊँ ये भी करूँ, फिर बातें भी सुनूँ, कह रही हमेशा मेरे को बातें सुनाते रहते हैं जिम में। फिर कह दो इसको यही है। यार क्या है यार, मैंने नहीं आना जिम। नहीं क्या बात है, फिर मेरे को सुबह क्या देती ना नहीं आना, ये अब एकदम से क्या हो गया? क्या एकदम से क्या हो गया, रोज रोज का आपका ड्रामा हो रहा है, मेरे को हमेशा डांटते रहते हो। नहीं कल तक तो तू ठीक थी, साथ खाने पीने भी गई है, कल तो तूने मेरे को कहा नहीं है बात, अब 2 मिनट में तेरा दिमाग चेंज हो गया। क्योंकि मेरे को ना तंग हो गई हूँ मैं बहुत ज्यादा जिम कर करके, बॉडी बनती नहीं है मेरी यार, फिर मैं नहीं आ रही जिम। मेरी बात सुन, मेरा ना दिमाग तो करना खराब ठीक है ना, ये 3 दिन 4 महीनों में बॉडियां बनने लगी ना लोगों की, तो हो जाएगा काम, ऐसे तो साल लगते हैं, हमने भी बनाई है, हमको टाइम नहीं लग रहा क्या? तो फिर क्या है यार, आप मेरे को पहले ऐसे बोलो, मैं डांटूंगा नहीं, अच्छे से कराऊंगा एक्सरसाइज। भाई देख मेरी बात सुन, जो अगर वर्कआउट ना करा रहा हूँ और जो नहीं कर रहा, तो मैं तो भाई डांट के कराता हूँ, हर एक को डांट के कराऊंगा। तो मैं तो आपकी पत्नी हूँ, थोड़ा प्यार से बोल लिया करो। गाइस मैंने तो कर दिया अपना प्रैंक, अब जाते हैं जिम और जाकर देखते हैं क्या होगा, मतलब मेरे से तो नाराज ही हो गए। और गाइस अभी मैं भी पहुंच चुकी हूँ जिम, तो अभी चलते हैं ऊपर और जाकर देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होगा। गाइस इनको याद भी नहीं है कि इनका चार्जर घर पर ही रह गया है, तो मैं चार्जर भी साथ लेकर आई हूँ, तो अभी चलते हैं ऊपर जाकर देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर आए, लेकिन ये तो यहाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, इसके साथ हो चुका है। हेलो कहाँ से हो भैया? कहाँ पर हो? शुशु कर रहे हो? आनंद ने क्या जिम? मैंने नहीं आना, पहले बोलो पहले बोलो डांटोगे नहीं मुझे, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं यार, बोलो यार ऐसे ऐसे। और आपका चार्जर घर रह गया था, तो मैं ले आई। गाइस मेरे साथ प्रैंक करने चली थी लड़की, हाल देखो क्या कर दिया, एक्सरसाइज करा करा के। और तू जिम में ये क्या लेके आती है, चाय पत्ती? ये चाय पत्ती क्या लेके आती है तू? मेरा नहीं है ये यार, ये चाय पत्ती ये यहाँ पड़ी हुई थी। चलो भाई हम बहनों, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, एकदम फिट हूँ बाइक पर। मेरी जो पत्नी है ना, जैसे मैं घर आया अभी, ये कहती है कि मेरे को मोमोज खाने हैं, लेके चलो मेरे को, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ मोमोज खाने। अत्याचार होता है लड़कों पे, लड़के सह जाते हैं, वो दिखा ही नहीं पाते बेचारे। ये तो शुक्र है जमाना आ गया व्लॉग वाला, फोन में सब दिखा पा रहा हूँ आपको अपनी हालत। बेचारे कुछ लड़के तो आज भी दब के रह रहे हैं घर पे। कुछ पागल वागल आप, मेरी हमेशा ऐसी वीडियो बनाते गाइस। और ये पता किस लिए लाते हैं मुझे यहाँ पे, इसको घर पे खाना ना बनाना पड़े, काम ना करना पड़े, इसलिए। सच्चाई तो मुझे ये, पता है ना, ये बातें ना ज्यादा ना बोला करो, इसमें ना बोला करो, ये बातें इसमें ना बोला करो, ताकि लोगों को सच ना पता चल जाए, है ना।
आयो घर में खाना नहीं बना। घर में खाना तो बनते ही नहीं मेरे, मेरे को तो यहाँ पे आके झूठ मत बोलो गाइस, मैं तो यहाँ पे दर बदर की ठोकरे खा के जी रहा हूँ, घर पे तो खाना ही नहीं मिलता। घर में रोटी कौन बनाता है, मैं ही बनाती हूँ हर वक्त, मैं ही। नहीं, इन्हें कैसे पता, तू एक एक दिन लंगर लगाती है इनका, है बताओ भाई। जब मैं आपको रात को रोटी बना के खिला रही थी, रात को कोई ब्लॉग मैंने दिखा, मजी भी बना के खिलाई है मैंने, ठीक है ना, अब ज्यादा मत बोलो, चपड़ चपड़ चुप हो जाओ और खा लो। गाइस ये देखो एक और सिनेमैटिक ऑटो निकी तरह तरीके से सज सज के बैठ गया, लपेटने शुरू कर दिए। पहले आप कौन हो? मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ। गाइस आ चुके हैं घर और मैं अपनी कुतिया के लिए लेके आया हूँ बिस्किट। कौन कुतिया? उसके लिए। तो आप मेरी शक्ल क्यों? तो तू बीच में आ गई ना। गाइस मैं अपनी कुतिया के लिए लेके आया हूँ बिस्किट, बर्फी, आ जा ये ले। देखो बर्फी के लिए बना दिया है मैंने रास्ता, अब ये खाएगी, ठीक है। और गाइस बर्फी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं अब, ठीक है ना। मेरे लिए क्या कर सकती हो ये बताओ। तेरे लिए मैं पोटी कर सकता हूँ, क्योंकि तेरी शक्ल को देख के तो मुझे कुछ ऐसा ही याद आता है। गाइस बर्फी को लेके निकला हूँ मैं फिर आज लोगों के घर के आगे पोटियाँ करवाने, कोई ना कोई क्लेश तो बर्फी ही करा देगी अब। देख लो गाइस क्या जमाना आ गया है, पहले मम्मी बुलाती थी मुझे घर आ जा घर आ जा, 11 बज गए हैं अब 11 बज रहे हैं, मम्मी अब आई है। मम्मी की गल है, सेम डायलॉग चेपूंगा मम्मी को, टाइम नहीं बिकता। सहेलियां बन गई तुम्हारी, जुआ खेल बैके मम्मी लग गया पता हुणे तुसीं ते ही ATM तो पैसे कटवाए ने कि जावांगे उत्थे जुआ खेलांगे ऐन वधिया। रोटी खा ली है? रोटी रोटी दी कोई परवाह ही नहीं है कि खाई होनी है मुंडे ने या नहीं। क्यों है नहीं ते रोटी खाण वाली? ओए थोड़ा ए मेनू भूखा रख दिया ते मेनू कहंदी है नहीं खानी रोटी। क्या कह रहा है ए? तू रोटी पानी क्यों नहीं देती मुझे? सबसे पहले पूछा आपने रोटी खानी है, क्या जवाब दिया अपना? मार दिया मैंने उल्टा। ओहो कुटिया ने मैंने फड़ के, मैं तो बहुत अत्याचार कर दिया। किसने खाई रोटी? किसने? गाइस अब थोड़ी मैं जा रहा हूँ कैमरा बंद करके, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। आज मुझे खाएगा आप सुबह? तू गया जो शहर में खा रही है कुछ? की खा के आया मन की बता। गाइस मैं कुछ खा के आया हूँ, आपने देखा अभी तक कुछ खाते हुए? मैं देखा। चलो यार मैं जा रहा हूँ, छोड़ो। बाय बाय।